अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शमशुद्दीन। आज इस वीडियो के अंदर मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 10 को हम एक जोक के साथ मैं शुरुआत करूँगा। एक हाजियों का काफिला ट्रेन से सफर कर रहा था, तो एक हाजी साहब ट्रेन के खिड़की से बाहर सर निकालकर इस्लाम कर को पुकारने लगे, तो ट्रेन में बैठे वाले जितने भी लोग थे सब जिन्हें जिंदाबाद कर लेंगे। फिर वो इस्लाम कर को पुकार लगे, फिर वो जिंदाबाद कर लेंगे। तो इसे आया गुस्सा, कहने लगे कि इस्लाम मेरे बेटे का नाम है और वो पानी लाने गया है और परेशान, मैं उसे पुकार लगा और तुम्हें जिंदाबाद कहने लगे। तो ये मेरा जो बस मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और अपने दोस्तों में शेयर। सवाल नंबर 10 क्या है, इसमें दो पार्ट है। दिखाइए A1, A2, A3 जहाँ AN को जेल में जेल मारूफ में दिया गया है। अब देखो, ये पहला पार्ट है इसका। अब नीचे इसका क्वेश्चन कहीं है, मैं लिखे से नहीं, अपनी किताब में निकाल कर देखो नीचे क्या लिखे। दो पार्ट के अंदर हर पार्ट के लिए 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करने वाले, तो 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए हमना हिसाबी तसाउद के अरकान की जरूरत है और उन्हें हमना दे A1, A2, A3 की हालत में। तो हमें उससे सबसे पहले अरकान को मालूम करना, तो अरकान को मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। तो चलो सबसे पहले अरकान को मालूम कर लें। An = 3 + 4n। सबसे पहले A1 लो, डालो इसमें 3 + 4 × n कितना है 1। A1 = 3 + 4 = 4। A1 = 3 में अगर 4 ऐड करें 7, ये पहला रुकन। इसके बाद में फिर An = 3 + 4n लिखना, उसके बाद में A2 लेना, 3 + n की जगह 2 डालो, 3 + 4 = 8, दोनों को मिलाए 11, A2 हासिल हुआ। इसके बाद में फिर कहीं नहीं लेना, An = 3 + 4n, A3 लो, 3 + 4 × n की जगह में 3 डालना, 4 × 3 = 12, 3 में अगर 2 ऐड कर 12 ऐड करें 15। अब इसके जो अरकान हासिल है हिसाब तसव्वुफ का 7, 11 and 15 and so on। बस हमें 3 अरकान मालूम करना है। अब देखो 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, तो इसके लिए ए की कीमत क्या है 7 और डी कितना आते हैं 11 में सी अगर 7 निकालेंगे 4, तो हमें S15 मालूम करना है। SN के हिसाब से रखो, SN = n/2 2a + n-1 × d। अब S15 n की जगह में 15 डालना, a की वैल्यू क्या है 7 है और n की वैल्यू 15 - 1 × d। अब 15 / 2, 2 × 7 = 14, अब 15 - 1 करें, माफ करना, d की वैल्यू हम डाले नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 4 है। 15 - 1 अगर निकाले 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 4 से जरा कितना आता है 56। अब 14 में 56 मिला है 17 को 2 से डिवाइड करना, तो हम आया 15 × 35 बचे। अब 15 और 35 को मल्टीप्लाई करें तो 525।
तो ये 15 अरकान का हासिल जमा है। अब देखो ये 10वें सवाल का दूसरा पार्ट क्या है, वो भी सेम पहले पार्ट जैसा है। सबसे पहले क्या है, हिसाबी तसव्वुफ के अरकान मालूम करना, ये एन लेकर हिसाबी तसव्वुफ के अरकान मालूम करना, उसके बाद में 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करना, सेम प्रोसीजर है। अब ए एन इक्वल टू 9 - 5 n, ए वन लो, ए वन इक्वल टू 9 - 5 n, सॉरी n की जगह में 1 डालो, 9 - 5 1 = 5, 9 में अगर 5 लेस करे तो 4, ए वन आया 4। फिर बाद में क्या है, ए एन इक्वल टू 9 - 5 n, ए टू लो, ए टू इक्वल टू 9 - n, n की वैल्यू कितनी है 2 है, 9 - 5 = 10, अगर 10 में सी 9 निकाले -1, ए टू क्या है -1 आया। फिर क्या करना, ए एन इक्वल टू 9 - 5 n लेना, ए 3 डालना इसमें, 9 - n की वैल्यू कितनी है 3, 9 - 5 = 15। अब 15 में से अगर 9 निकाले तो -6, ये हमें हासिल हुए हिसाबी तसव्वुफ के तीन अरकान, 4, -1, -6, and so। अब हमें मालूम करना है 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। एसएन का जवाब तो लगाओ, एसएन इक्वल टू n by 2, 2a plus n minus 1 into d. S 15 equal to, n की वैल्यू क्या है 15 है, डिवाइडेड बाय 2, 2 into a की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस n की वैल्यू 15 minus 1 into d की वैल्यू क्या है, अगर -1 में से 4 को अगर निकालेंगे तो -5 हो, माइनस क्या है 5 निकाल के देखो, पहला रुकन 4 है और क्या नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या है, आम फर्क क्या है, मुश्तरक फर्क है, अगर नफी 1 में से अगर 4 को निकालेंगे तो बोलेंगे नफी 5 होते, 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 = 8, अब 15 में से 1 लेस करें 14, 15 डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस 8 देखो प्लस इनटू माइनस माइनस, 14 फाइव कितना होते 70, 15 डिवाइडेड बाय 2, 70 में से अगर 8 को लेस करें तो कितना हुआ -62। अब 2 1 = 2, 2 3 = 2 1 = 15 इंटू -31। अब 15 और -31 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होते, अब 15 और -31 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 465। यस 15 इक्वल टू, यही हमारा आंसर है, यही हमारा वांडसर है, वांडसर। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।